क्या है जिस पर फौरी तौर पर काम किया जाना चाहिए आज के वक्त में, मतलब आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला पत्रकारिता के लिए ही रखिए कि फौरी तौर से हमें क्या करना है, लेकिन फसल जब पकती है अंदर से बहुत कुछ खलबलाता है तब साहित्य लिखा जाता है। अहमद शामलू से मैंने कहा था आप क्या लिख रहे हैं, तो बोले हमने मुहावरा गुम कर दिया आज का, आज जो कुछ लिखा जा रहा नारा लिखा जा रहा। और इससे पहले मेडे में मुझसे पूछा गया था कि क्या, मैंने कहा आज अगर मैं कुछ उठाऊंगी, अव्वल तो बहुत कुछ लिख चुकी हूँ और समाज को मैंने कितना बदला मैं नहीं जानती, लेकिन अगर मैं आज कुछ भी लिखूंगी कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं प्रभाव में आके वो काम कर जाऊं जो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बेहतरीन मौका है पत्रकारिता, नॉट पीक पत्रकारिता का, एकदम सॉलिड पत्रकारिता का। लेकिन उसके साथ मैं भी कहूँगी कि कुछ देर खामोश रहना भी कोई बुरी बात नहीं, इसलिए कि आप बिलावजह आ बैल मुझे मार करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा उसके बदले में इनामात मिल रहे हैं। जिनको कभी भी कोई इनाम ना मिलता, और लोगों को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिलने लगा, हिंदी अकेडमी अवार्ड भी मिलने लगा, सब तरह के अवार्ड मिलने लगे, और उसमें चूँकि हौच पौच होता ना, अच्छे को भी मिल गया बुरे को मिल गया, तो ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है वो डायरेक्शन कहीं पे मोड़ दिया जाए। अभी नामवर सिंह का भी आपने नाम लिया, नामवर सिंह